के चलते कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लोगों को गंभीर चोटें भी आ चुकी हैं। और अधिक जानकारी अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भाटी यहां पर जुड़ गए हैं। तो जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे लोगों की मुख्य मांगे क्या है, क्योंकि देखिए सुनने में बहुत ही हास्यास्पद जरूर ये लगेगा, लेकिन बहुत ही गंभीर घटना है कि रात में कभी भी किसी बच्चे को ये घायल कर सकते हैं। अगर दोपहिया वाहन से कोई जाता है तो उसको भी दौड़ाते हैं, जिसके चलते कई बार दुर्घटनाएं पहले हो चुकी हैं। तो लोगों की मांगे क्या है? देखिए आलोक, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुत्तों का भय जो है, डर जो है, वो इस कदर बढ़ गया है कि अब क्रॉसिंग रिपब्लिक ही नहीं बल्कि गाजियाबाद के तमाम इलाकों में कुत्तों को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गाजियाबाद का मामला है क्रॉसिंग रिपब्लिक का, जहाँ पर रिहायशी इलाका काफी, वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं और काफी सम्राट लोग रहते हैं। आपको बता दें कि ऑफिसर लेवल के लोग जो वहाँ रहते हैं, उस सोसाइटी में कुछ लोग कुत्ता प्रेमी है, यूं मान सकते हैं डॉग लवर है, और वो पालतू कुत्तों को अपने घर में पालते हैं। अब ऐसे में वो कुत्ता जितने दिन तक घर में रहता है और उसको बाहर निकाला जाता है, कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव हो जाता है और वो लोगों पर झपटता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, जब कुत्तों पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है तो आखिर ये पाबंदी कागजों में क्यों सीमित है? बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जब नगर निगम को कहा गया है कि 5,000 की पेनल्टी ली जाए, तो वो कुत्ते मालिक को दंडित क्यों नहीं करता? अगर बड़ा दंड लगेगा तभी कहीं ना कहीं इसमें सुधार आएगा। कुत्ते के द्वारा एक शख्स को काटा गया था, जिसके बाद क्रॉसिंग रिपब्लिक के लोग सड़कों पर आ गए थे, रात को बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था और प्रोटेस्ट बढ़कर सुबह भी चला। कुल मिलाकर लोगों ने सड़क जाम करी, वहां पर व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा, पुलिस के अधिकारियों ने वहां पर लोगों को समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि पुलिस मानती नहीं है। जब पुलिस को कहा जाता है, आग्रह किया जाता है कि इनके कुत्ते से हमें खतरा है, बच्चों को खतरा है, बुजुर्गों को खतरा है, नवजात को खतरा है, महिलाओं को खतरा है, ये खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आलोक, कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचना होगा जिनके पास ऐसे जानलेवा कुत्ते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले की बात है आलोक, आपको बता दें मासूम बच्चे को कुत्ते ने काटा था और उस दौरान बच्चे के चेहरे पर तकरीबन 175 टांके आए थे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे में जाहिर तौर पर प्रशासन को कड़े नियम लागू करने होंगे, जिससे लोगों की परेशानी का निस्तारण हो। जी बिल्कुल। और जितेंद्र, यहाँ पर देखिए दो तरह की ये पूरे मामले हैं। एक तो आवारा कुत्ते जो कि सड़क पर रहते हैं, उनका कोई मालिक नहीं है या किसी के पास उनका मालिकाना हक नहीं है, लेकिन एक कुत्ते वो हैं जिनको घर में लोग पाल रहे हैं और लोगों के पास मालिकाना हक है। तो क्या दोनों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है? देखिए आवारा कुत्ते को एक बार तो सोसाइटी से निकाला जा सकता है, लेकिन उन कुत्तों को कहाँ ले जाएंगे जब जो कुत्ते पिटबुल जैसे कुत्ते और तमाम उन ब्रीड के कुत्ते घर में पाले जाते हैं और जब उनको घुमाने के लिए मालिक निकलता है तो वो और जोरों पर झपटते हैं। झपटते भी इस कदर है कि वो लोगों को काफी बड़ा जख्मी कर रहे हैं। ऐसे में जो आवारा कुत्ते हैं उनको सिक्योरिटी गार्ड को कह दिया जाता है कि सोसाइटी में उनको निकाल दें और वो निकल भी जाते हैं, लेकिन जो घर के कुत्ते हैं, जो पालतू कुत्ते हैं, उन पर खासतौर से नियम लागू करने होंगे। आवारा कुत्तों को भी कहीं ना कहीं नगर निगम को जो कुत्ता जो एक अभियान चलाया जाता है और उसके तहत नगर निगम कुत्तों को एक गाड़ी में पैक करके कहीं दूर छोड़ देती है, वो भी कहीं ना कहीं लगातार जारी रहना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात भी रहेगा और लोगों का प्रशासन पर जो विश्वास उठ गया है, कहीं ना कहीं वो विश्वास कायम होगा। जी हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए।